ये परम सौभाग्य है कि जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं उस राष्ट्र का युवा अगर आध्यात्मिक मनोदशा का बनता चला जाए तो ये राष्ट्र फिर से पुनः दुनिया में जगत गुरु बनता चला जाएगा, क्योंकि इसी राष्ट्र में इसी धरती पर किसी और के गर्भ में जन्म लेने वाला व्यक्ति किसी और के गोद में खेलता है और वो भगवान कृष्ण कहा जाता है। हम अपने माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और माँ के गोद में खेलते हैं, फिर भी भगवान कौन कहे, इंसान नहीं कहे जाते हैं। आखिर कारण क्या है, क्या कारण है कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं आती है? इस उम्र में माँ से उलझ जाना, माँ को गाली देना, जो अपने माँ का सम्मान नहीं कर सकता, अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी का सम्मान नहीं करेगा, सबका अपमान करेगा। पहले परिवार से सम्मान शुरू करो, पहले घर से सम्मान को शुरू करो, पूरी दुनिया में सम्मान देने का आदि हो जाओगे तुम, क्योंकि हैबिट इज सेकंड नेचर। एक बार हैबिट तो बनाओ। मेरे मित्र गुरुदेव लिखते हैं, शालीनता बिना मोल बिकती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन बनने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है क्या? आप लोगों ने किया है कहीं? उदंड बनना बहुत आसान है, एक क्षण में इंसान चाहे तो उदंड बन सकता है, यह बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन शालीन बनने के लिए हर क्षण अपने आप को तपाया जाता है, और यही तपाने का अब टाइम ऑफ पीरियड आ गया है, समय आ गया है, काल आ गया है, नवरात्र का यही टाइम है जहां आप शक्ति की उपार्जन करोगे, अपने आप को, अपनी मनोदशा को, अपने इंटरनल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आपके 6 महीने का, इसके बाद चैत नवरात्र आने के पहले तक की आपकी स्टडी इतनी अच्छी हो, आप जो रोजगार करते हो वो इतना अच्छा हो कि आपके मन में कभी निगेटिविटी नहीं आए। मोबाइल की टावरों की तरह वायुमंडल में पॉजिटिवनेस और निगेटिविटी दोनों विद्यमान है। टावर जैसे अपने रेंज को लेके, जैसे बीएसएनएल से ही कनेक्ट होता है, खींचता है, अपनी टावर से सप्लाई देता है, एयरटेल से देता है। आप अच्छाई से अच्छाई को खींचो, दोनों विद्यमान है, बुरे चीज भी है, अच्छे चीज भी है। आप बुराई को छोड़ो, अच्छाई को खींच लो, ये आपके टावर की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि कितना मजबूत आप टावर लगाए हो, कितना मजबूत आपकी मानसिकता है कि समाज में गंदे भरे बते वातावरण में गंदगी हर जगह है, लेकिन गंदगी कहने के लिए हर जगह है। आज भी समाज इतना सुंदर है कि अपनी सुंदर निगाहों से देखोगे तो तुम्हारे अंदर सुंदरता आ जाएगी। हमारे घर में बहन है, बहन चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कामुकता नहीं आता है। कारण ये तुम्हारी निगाहें देखती है। और किसी की, दूसरे की बहन या बेटी कहीं जा रही है, अचानक निगाहें पड़ती है, मन में कामुकता आती है। क्या कारण है इसका? इसका एकमात्र कारण है कि वो समाज गंदा नहीं, तुम्हारी निगाहें गंदी। तूने अपने बहन को देखा तो अच्छे तरीके से देखा, अच्छे लेवल से देखा, अच्छी भावनाओं से देखा। इसी भावनाओं को दूसरी बहन बेटियों के साथ लगाओगे, तुम्हारा जिंदगी सफल बन जाएगा, तुम्हारा करियर शानदार बन जाएगा। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। जो 20 मिनट नियमित गायत्री की साधना करता है उसके मन में विचार आ ही नहीं सकते हैं, और वो कभी किसी की बुराई कर ही नहीं सकता है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, बैठ के कहते हैं, भैया फलाना जगह बाल संस्कार शाला के भाई ऐसे करते हैं, सुन लेते हैं। फिर वो आएंगे, जानते हैं भैया, वो भैया न ऐसे करते हैं, उनका भी भगवान ने क्षमता दिया है सब कुछ सुन के और उसके अनुकूल करने का। अरे यार, तुम उसके पॉजिटिव चीजों को क्यों नहीं मेरे पास आके बताते हो कि फलाना भैया जो है नियमित 4 से 6 बार के बाल संस्कार शाला में पढ़ाते हैं, फलाना भैया के अंदर लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ाते हैं। अगर भैया बूढ़े हैं तो तुम्हारे अंदर इतना प्यार क्यों नहीं उमड़ता कि बूढ़े भैया को अच्छा बनाते? हर व्यक्ति बुरा है तो अच्छा कौन है? हम सबसे अच्छा हम ही हैं, ऐसा नहीं है मेरे मित्र। बुराई मत देखो, हर व्यक्ति की अच्छाई देखो, तुम अपने आप अच्छा बनते चले जाओगे, अपने आप सही राह पर चलते चले जाओगे। व्यक्ति सोचता बहुत है, करता कम है। अगर जिस दिन सोचने वाला व्यक्ति अपने कार्य को क्रियान्वित कर दे तो गुरुदेव के सपने साकार होते चले जाएंगे। वरना कथनी करनी भिन्न, जहाँ धर्म नहीं पाखंड वहाँ। जहाँ कथनी और करनी में भिन्नता है वहाँ धर्म नहीं है, पाखंड है। आप कितना बढ़िया रूटीन बनाते हैं, कल से मैथ 3 घंटा, फिजिक्स 2 घंटा, अंग्रेजी 2.5 घंटा, कथनी तो शुरू,
करने के समय धीरे से फाड़ देते हो। ए, होता नहीं है पालनी, झूठे टेंशन देता है। एक दिन बना दिया रूटीन, 8 बजे जग जाना है, 6 बजे जग जाना है, 7:30 तक मेडिटेशन करके पढ़ने बैठ जाना है। जैसे 6 बजे अलार्म बजेगा तिरछे रूटीन देखेगा, अच्छा अलार्म के दाबेगा, सोया 8 बजे, उठा 8 बजे, अब जल्दी जल्दी जोश में है, संडे को सुन के गया है, रूटीन बनाया है, मंडे को जोश में है, अब जल्दी जल्दी तैयार हुआ, फ्रेश हुआ, रूटीन का पहला चैप्टर पालन शुरू। चलो 7:30 से नहीं हुआ, चलो ठीक है 8 बजे, 8:30 से बैठते हैं, घंटा मैनेज हो जाएगा। एक दिन पालन किया, दूसरा दिन पालन किया, तीसरा दिन पालन किया, चौथा दिन के बाद गायब हो गया। क्या कारण है कि चौथा दिन के बाद गायब हो गया? केवल और केवल एकमात्र कारण है, तुम्हारे मस्तिष्क में निगेटिव ऑरा ज्यादा है, पॉजिटिव ऑरा कम है। तुम अपने आप को हारा हुआ मान लिया, अर्जुन की तरह। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में कृष्ण के साथ जाते हैं तो प्रश्न पूछते हैं, अभी की तरह अर्जुन है, ये सब अर्जुन बैठे हुए हैं मैदान में, जाके प्रश्न पूछते हैं, युद्ध हम ही को लड़ना है। कृष्ण कहते हैं तो अच्छा, तो वो तो लड़ेंगे, सब बढ़िया है, पीओ के एग्जाम हम ही को देना है ना, सर जी जाएंगे देने जिसके पास पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि इस 100 अक्षणी सेना कौरव को आप दे दिए, कृष्ण पूछे तुमसे पूछ के ना दिए हैं? सब लोग था पांचों पांडव से पूछे कि या तो 100 अक्षणी सेना ले लो, नहीं तो हमको ले लो, तो तुम ही ना कहा कि हम आपके साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बात बताइए, जरूरत पड़ेगा तो हथियार उठाइएगा ना, क्या कह रहे हो? नहीं उठाएंगे, हथियार नहीं उठाइएगा? नहीं, तुम्हारा रथ चलाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो सर क्वेश्चन आउट पेपर करके दीजिएगा ना, कोई सर पेपर आउट नहीं करेंगे। तुम्हारे अपनी कौशल को विकसित करना होगा, कला को विकसित करना होगा, अपनी पर्सनालिटी टैलेंट को विकसित करना होगा। अर्जुन मन में सोचता है, लगता है कंप्लीट मरवा देने का भरगोरान में है, सब सेना दे दिए, उधर अकेले है, रहिएगा, हथियारों नहीं उठाइएगा। फिर जाके युद्ध के मैदान में चारों तरफ जब घुमाते हैं और ललकारते हैं अर्जुन को, कौन अर्जुन जो अंदर से डर रहा है, कायरों की भांति अपने आप को अपनी प्रतिभा को समझ नहीं रहा है, क्या मुझसे बैंक पीओ होगा, रेलवे में मैं जा सकता हूँ, IAS बन सकता हूँ, क्या मैं सही राह पर चल सकता हूँ, जहाँ इतने गंदे वातावरण है क्या मेरे अंदर अच्छाइयाँ आ सकती है? उस अर्जुन को कृष्ण ललकारते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, संशयी मनुष्य का नाश सुनिश्चित है, जब तक तू संशय में जिएगा तेरा नाश ही होगा, एक क्षण में अपने संशय को हटा, तू आगे बढ़ते जाओ, कर्म कर फल की इच्छा छोड़ दे, तू केवल सोच मुझे युद्ध करना है, हार होगी कि जीत इसकी चिंता मत कर। अर्जुन अपनी बाण को उठाते हैं, धनुष को उठाते हैं और युद्ध की मैदान पर उतरते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर कृष्ण समझाते हैं, मैदान में ये मत सोचना कि कौन मेरा चाचा है, फूफा है, मौसा है, नाना है, काका है, केवल और केवल एक बात सोचना, जो जो अनीति का साथ दिया है उसको तुम छोड़ना मत, उसको समाप्त कर देना। अर्जुन भूल जाता है और ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन पालन करने वाले भीष्म पितामह जैसे ताकतवर व्यक्ति को भी बाणों की सैया पर सुला देता है। इतनी क्षमता तुम्हारे अंदर है, तुम अपनी कलम की ताकत से हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद जब चाहोगे उस अर्जुन की तरह कलम की ताकत से मार कर निकल जाओगे, और अगले दिन जब रिजल्ट आएगा, पेपर में आएगा, बिहार का फलाने गांव का रहने वाला लड़का IAS टॉपर बन गया, IAS में टॉप करता चला गया। आप अपनी क्षमता को पहचानो, आप अपनी ताकत को पहचानो, आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। युवा कौन? जिसका रक्त गर्म और मस्तिष्क ठंडा हो, जिसका रक्त गर्म हो मस्तिष्क ठंडा हो। आप अपनी क्षमताओं को विकसित करो। ये क्षमता विकसित कैसे होगा? हम कहते हैं आपके अंदर विकसित हो जाएगी, हम सुना दिए यहाँ से आपके अंदर क्षमता पैदा हो गया। नहीं मेरे मित्र, ये क्षमता पैदा कैसे होगा? 20 मिनट जब पूरे भाव से, पूरे इमोशन से, पूरे दिल से परमात्मा की गोद में आप जब बैठते हो और गुहार करते हो, हे मालिक, न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे,
तो ये ब्रह्मांडीय शक्ति तुमको सही दिशा देती है। इस ब्रह्मांडीय शक्ति, इस कॉस्मस